हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो भाई, आशा करा तमी ग्राएं रहते हो गए, बार थोड़े कम हांडिया करो। देखो, बीमारी बहुत खतरनाक से है। अमरीका पर के बड़े बड़े देश गोड्या तैन कर रखे हैं। 6-6, 7-7 लाख मरीज हो लिए, 20-20 हज़ार का नेड़े मरण न हो रहे हैं। तो भाई बहुत घनी बीमारी है, और ऐसा नहीं है कि एक वो होगी और ठीक हो गया भी हो सके, फिर हो जाए, बच के रहा करो। चलो आज आप ही शुरू करा। हाँ, अगला टॉपिक आप ही पिछला टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ ली हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया। आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने ई की वैल्यू नहीं पढ़ी थी पहले, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल दो लाइन होया करें, एक्सियल एक्सिस के ऊपर सेम डायरेक्शन, इक्वेटोरियल ने कहा करा भी परपेंडिकुलर। ये दो टॉपिक पढ़ांगे, अगला इसका अगला टॉपिक है इक्वेटोरियल। तो एक्सियल का मतलब एक्सिस के ऊपर, एक्सिस का मतलब एक डाइपोल है हमारे पास, एक साइड चार्ज प्लस क्यू, एक साइड चार्ज माइनस क्यू। प्लस क्यू मान लिया ए के ऊपर, माइनस क्यू मान लिया बी के ऊपर, बीच में इसका मिड पॉइंट है ओ, सेंटर ऑफ डाइपोल। ओ को हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ डाइपोल, क्लियर। अब जो 2a डिस्टेंस है उसको हम a इस साइड ले लेवा, a इस साइड ले लेवा, कि भाई 2a डाइपोल की लेंथ है, तो o से a की दूरी a, o से b की दूरी a। अब इसकी एक्सिस के ऊपर सेम डायरेक्शन में कोई पॉइंट है p। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वह करनी है किस पॉइंट पे, p पे। तो जब भी फिजिक्स का कोई भी टॉपिक लिखो या करो, तो कोशिश करो कि आप उसका फिगर बना सकें, आसान सा फिगर। और जब भी फिगर बनाओ तो फिगर को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने ये बात बताई हमें लिख दियो कि दो चार्ज हैं, दो ए तद आप इन्हें सेपरेट कर दिए, चार्ज ए का और बी के ऊपर है, ए पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, सेंटर ऑफ डाइपोल है ओ, एक पॉइंट है P जो एक्सियल लाइन के ऊपर है। हमने P के ऊपर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब दो चार्ज हैं, हमने ई पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर P के ऊपर पटांगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। तो अपना प्लस क्यू है, प्लस क्यू अगर इसको ऊपर लगा हुआ है तो किस तरफ जाओगी, आउटवर्ड। इसको नाम दे देवा हम ई वन। तो हम यहां लिख लेवा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी वजह से कितनी होगी, प्लस क्यू की वजह से ई वन कितनी होगी भाई, ई वन के क्यू डिवाइड बाई बीच की दूरी का स्केयर। और पी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ओ से कितना दूर है, पी पॉइंट ओ से दूर है भाई ये आर दूरी पे, तो बीच की दूरी का स्केयर। और प्लस क्यू कितनी दूर है, ये यानी कि आर प्लस ए, आर प्लस ए का स्केयर। और डायरेक्शन किस तरफ, डायरेक्टेड टुवार्ड्स किस तरह भाई, बी टू पी, डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू पी, कि भाई बी से किसकी तरफ जाओगी डायरेक्शन, पी की तरफ। ये अपनी ईवन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हम निकाल दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, इसकी वजह से,
माइनस क्यू, माइनस का चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन होगी ये ई टू अंदर की तरफ, या डायरेक्शन। तो ई टू की वैल्यू कितनी, ई टू की वैल्यू के क्यू बीच की दूरी का स्केयर, बीच की दूरी आर तो पूरी है लेकिन ये तो इस साइड है, यानी कि आर मतलब कितना माइनस हो गया ए, आर माइनस ए का स्केयर। और डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू बी, हमने दो डायरेक्शन पढ़ी बी टू पी, पी टू बी, यानी कि जो ई वन और ई टू हैं ये क्या है, एक दूसरे गए अपोजिट, क्या है एक दूसरे गए अपोजिट। और अपोजिट है तो वेक्टर मापी ने पढ़ा है कि भाई अपोजिट का तो रिजल्ट क्या हो आग्रह है, माइनस हो जाए आग्रह, बड़ा मतलब कौन घटा दो छोटा, तो इन दो में बड़ा कौन है भाई, ई वन मत और ई टू मत, बड़ा वो जिसका नीचे है छोटा, बड़ा कौन जिसके नीचे के हो छोटा, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा आर प्लस ए बड़ी क्वांटिटी है बजाय किसके आर माइनस एक है, यो छोटा है तो अपनी ई टू की वैल्यू क्या होगी बड़ी। तो अपना टोटल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाओगी भाई अपनी ई, और कितनी हो जाओगी बड़े में से छोटा माइनस, और डायरेक्शन किसकी तरफ बचेगी बड़े की तरफ, और बड़ा कौन है ई टू, यानी कि डायरेक्शन पी टू बी। ई टू की वैल्यू रखो के क्यू आर माइनस ए का स्केयर, के क्यू आर प्लस ए का स्केयर, के क्यू को हम कॉमन निकाल लेवा, के और क्यू को क्या निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया वन माइन अपॉन आर माइनस ए का स्केयर, इसमें घटा दो आर प्लस ए का स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है आगरा भाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और दोनों आगे स्केयर है उसने कॉमन ले लो, यानी कि इन दोनों आगे अपने गुणा कर दी, गुणा कर दी, इस तक भाग देवांगे तो यो बचेगा, अगर इस तक भाग देवांगे तो यो बचेगा, आर पार गुणा कर दो इसका इसके साथ गुणा, आर प्लस ए का स्केयर माइनस आर माइनस ए का स्केयर, स्केयर खोल दो भाई, अपना दोहरा फॉर्मूला आ गया के क्यू आर स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस टू ए आर, इसका फॉर्मूला ठीक है। अब माइनस बार है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये फॉर्मूला होया करे आर स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए आर, लेकिन बार माइनस है तो प्लस वाले किसके माइनस के, और माइनस वाला किसका प्लस का, डिवाइड में क्या रहेगा अपने आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर, ये दो कट गए, टू ए आर, टू ए आर कितना हो गया फोर ए आर, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई भाई के क्यू फोर ए आर डिवाइड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। इसमें आप इनू नहीं लिख सकते भाई के क्यू टू ए टू आर, इसको इस तरह से डिवाइड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। अगर आप इन चार ए आर यो इस तरह लिख दिया तो क्यू इंटू टू ए के पढ़िया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो किस तरह डिनोट करा हापी पी तय, दो आगे चला गया आर बच गया, नीचे आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर, ये क्या आ गया अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन यह तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब आप इन एक बात का और बेरा है कि जो डाइपोल की लेंथ होया करे वह बहुत थोड़ी होया करे, अगर उस थोड़ी सी का भी अदा कर दिया तो और भी थोड़ी, यानी कि अगर आर है वो बहुत बड़ा हो कंपेयर टू ए, तो आप ये जब भी आर का प्लस और माइनस में आ होगा उसने क्या कर देवांगे नेगलेक्ट, अगर यो नेगलेक्ट कर दिया तो स्केयर का स्केयर पावर कितनी होगी चार, ई की वैल्यू कितनी आ गई टू के पी आर बटे में आर की पावर चार, आर तो एक पावर कट गई तो वैल्यू कितनी आ गई
टू के पी डिवाइड बाई आर ए क्यूब। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन के ऊपर। छोटा सा टॉपिक्स है, एक फास्ट रिवीजन और देखो इसी टॉपिक का। एक डाइपोल ले लिया, प्लस के ओ माइनस के ओ, बीच की दूरी 2a है, सेंटर ओ है, तो ए उस साइड ए इस साइड। जब आप प्लस के ओ की वजह से निकाला, प्लस के ओ की वजह से, तो आप बीच की दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होया करे है के क्यू बटे में आर स्केयर। तो के क्यू बटे में आर स्केयर, आर स्केयर मतलब बीच की दूरी का स्केयर। प्लस क्यू कितनी दूर है, आर तो यो प्लस में ए, तो आर प्लस ए का स्केयर। उसी तरह जब माइनस क्यू की वजह से निकालोगे, यो माइनस क्यू की वजह से निकालोगे, तो बीच की दूरी कितनी रह जाओगी अपनी, आर तो या सारी है लेकिन इतनी घटगी तो कह रहा है कि आर माइनस ए, तो नीचे कह रहा जाओगी आर माइनस ए। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इनवर्ड। दोनों डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है तो टोटल काट दो तो क्या कर दो माइनस, बड़ा मतलब छोटा माइनस करो। बड़ा कौन, जिसका डिवाइड में छोटा, यो बड़ा है और यो छोटा है, और डायरेक्शन कौन सी बचेगी, जो बढ़ेगी है पी टू बी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लिया अपनी ई टू माइनस ई वन और डायरेक्शन पी टू बी। इन दोनों आ की वैल्यू टेक दी, के और क्यू दोनों आ में था कॉमन लिखड़ा, आर माइनस ए, आर प्लस ए, आर स्केयर माइनस ए स्केयर, गुणा होगी, स्केयर था कॉमन ले लिया ऊपर आपी ने। अगर दोनों आई गुणा है तो इसकी गुणा इसका गला, इसकी गुणा इसका गला, ये आ गया आपने। फॉर्मूला खोल दिया प्लस माइनस, बार माइनस थी तो सिंबल चेंज हो गए, प्लस वाले माइनस के, माइनस वाला प्लस का, तो ये दोनों इन दोनों आ गले कट गए। टू ए आर, टू ए आर कितना हो गया फोर ए आर, तो अपना कितना आ गया चार ए आर। चार ए आर ना आप लिख सका, हाँ टू ए गुणा में टू आर, और क्यों इंटू टू ए ने लिख सका थे आप पी, ये अपनी बात आ गई। और लास्ट में स्पेशल केस में क्या लिखोगे कि अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो ए तय, तो हम ए ने क्या कर दिया करा नेगलेक्ट, तो ए का स्केयर तो और भी छोटा हो गया तो और भी थोड़ा नेगलेक्ट होगा, तो नेगलेक्ट कर दिया तो कह रहा है आर स्केयर का स्केयर आर की पावर चार, एक आर ऊपर था चार नीचे थी तो तीन रहेगी, तो कितना आ गया टू के पी बाई आर के। आशा करा हाँ आज का टॉपिक आपका समझ में आया होगा। जल्दी मिला, हाँ स्टे होम स्टे सेफ।